नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन चैप्टर 2 के बारे में। दोस्तों, चैप्टर 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इसके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चैप्टर 1 में हमने कवर किया था प्रीलिमिनरी, जिसमें सारी इंटरप्रिटेशन थी, कॉम्पिटेंट पर्सन थे, और सेक्शन 1-7। तो आज हम 8, 9 और 10, जो कि चैप्टर 2 के अंडर इंस्पेक्टिंग स्टाफ में कवर किए गए हैं, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें अगर बात करें सेक्शन 8 की, तो इसमें कुल मिला के लगभग 7 सब सेक्शन हैं। तो 8.1 की बात करें, तो इसमें लिखा है कि कोई भी इंस्पेक्टर की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू होती है, तो 8.1 ये कहता है। 8.2 ये कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर की भी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू ही होगी बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर बात करें 2A की, तो उसमें जिक्र किया है एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर मीन्स ACI, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर की इनकी भी अपॉइंटमेंट थ्रू ऑफिशियल गैजेट के ही थ्रू होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करें 2B की, तो इसमें यह लिखा है कि जो ऑफिसर्स सेक्शन 2A के अंडर अभी डिफाइन किए हैं, वो एज ए इंस्पेक्टर भी काम कर सकते हैं स्टेट में, तो उनकी पावर इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर दोनों की रहेगी। अगर बात करें 3 की, सेक्शन 8.3 की, तो ये लिखा है कि जो भी अपॉइंटमेंट सेक्शन 2A और 2B के थ्रू होती है, वो कोई भी इंस्पेक्टर है, कोई भी चीफ इंस्पेक्टर या किसी भी जॉइंट डेप्यूटी या एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर हो, वो किसी भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ताकि वो अपने जो पावर्स का मिसयूज ना कर सके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ऐसे ही लिखा है कि सेक्शन 4 में कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी एन इंस्पेक्टर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक इंस्पेक्टर की पावर रखता है, और द स्टेट गवर्नमेंट में आल्सो बी नोटिफिकेशन फॉर साइड अपॉइंट सच पब्लिक ऑफिसर एज एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर। तो इसमें लिखा है कि एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको ये क्वालिफाई कर दें। और सिक्स्थ में इंस्पेक्टर की जो वर्किंग लिमिट है, उसके बारे में बताया गया है। और सातवें में ये बताया है, सातवें सेक्शन में बताया है, अगर बात करें 8.7 की बात करें, तो कि जितने भी इंस्पेक्टर जो हमारे सेक्शन सब सेक्शन 2A में बात करी है, जिन जिन की, वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट की तरह ही काम करेंगे एज पर इंडियन पैनल कोड 45 ऑफ 1860। तो दोस्तों, ये समाज सेवक नहीं, सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। तो अब बात करें अगर हम सेक्शन 9 की, तो उसमें बताया गया है पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर है। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर की पावर सेक्शन 9 में डिफाइन की है, सब सेक्शन A-I तक। तो सबसे पहला सेक्शन ये है कि किसी भी फैक्ट्री का एडवांस नोटिस के बाद कोई भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है, अगर वो समझे कि ये या तो फैक्ट्री है या फैक्ट्री के दायरे में आ रही है, एज पर फैक्ट्री एक्ट के जो डेफिनेशन है उसमें। अगर बात करें हम सब सेक्शन 2A-B की, तो इंस्पेक्टर किसी भी फैक्ट्री का एग्जामिनेशन कर सकता है, प्लांट का कर सकता है, मशीनरी का, और आर्टिकल और सब्सटेंस का। अगर बात करें सब सेक्शन सी की, तो किसी भी एक्सीडेंट की या डेंजरस एक्सीडेंट कुछ हो रही है फैक्ट्री में, या उसको लगा है संभावना हो सकती है, तो उसकी भी वो इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर बात करें सब सेक्शन डी की, तो वो किसी भी रजिस्टर का जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन रजिस्टर हो या कोई भी रजिस्टर हो, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके कॉपी ले सकता है, उसको सीज कर सकता है। ई सेक्शन में लिखा है कि कोई भी ऐसा रजिस्टर जिसको लगे कि ये हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है फैक्ट्री के लिए, तो वो उसको सीज कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। और अगर बात करें एफ की, तो उसमें लिखा है कि वो ऑक्यूपायर को डायरेक्ट कर सकता है कि जब तक इंस्पेक्शन चलेगा, वो प्लांट में कोई डिस्टर्बेंस ना करे, कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे, किसी भी काम से कोई छेड़छाड़ ना करे। और अगर बात करें सब सेक्शन जी की, तो वो इसमें लिखा है कि वो किस फैक्ट्री की मेजरमेंट ले सकता है, फोटोग्राफ ले सकता है, या कुछ स्टेटमेंट ले सकता है वर्कर की फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। अगर बात करें एच की, तो पब्लिक हेल्थ को
चेक कर सकता है कि कुछ डेंजरस एक्रेंस तो नहीं हो रहा है, कुछ फैक्ट्री में हजारडस प्रोसेस विदाउट स्पेशल केयर के नहीं किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख सकता है। तो आई में लिखा है एक्सरसाइज सच अदर पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो जो जो प्रिस्क्राइब्ड है वो पावर इंस्पेक्टर के पास है। तो ये थी इंस्पेक्टर की पावर। अब है सर्टिफाइंग सर्जन। अगर बात करें सेक्शन 10 के, तो सर्टिफाइंग सेक्शन है, सब सेक्शन 1 में है कि स्टेट गवर्नमेंट एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को सर्टिफाइंग सर्जन नियुक्त कर सकती है। और बात करें उसकी पावर्स की, ड्यूटीज़ की, तो सबसे ज़्यादा सबसे पहली ड्यूटी है उसकी कि एग्जामिनेशन ऑफ यंग पर्सन। यंग पर्सन की बात करी थी दोस्तों हमने अपने वीडियो नंबर 1 में, चैप्टर 1 में यंग पर्सन की डेफिनेशन दी गई थी, जिसमें सभी चाइल्ड और एडोलसेंट यंग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको उनकी अपॉइंटमेंट विदाउट सर्टिफाइंग सर्जन की एग्जामिनेशन के नहीं हो सकती। बात करें अगर सेक्शन बी की, तो वो चेक कर सकता है डेंजरस ऑक्यूपेशंस प्रोसेसेस जो भी चल रहे हैं फैक्ट्री में। बात करें सेक्शन सी की, तो उसमें लिखा है कि कोई भी बीमारी अगर कोई क्लेम करता है, कोई एम्प्लॉई या वर्कर कोई क्लेम करता है कि उसको ये बीमारी प्रोसेस के दौरान लगी है, फैक्ट्री में रहने के दौरान लगी है, तो उसका भी एग्जामिनेशन कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेक कर सकता है, फैक्ट्री के एनवायरनमेंट को चेक कर सकता है, और कोई भी अगर इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, या फैक्ट्रीज में एनवायरनमेंट को या फिर किसी भी वर्कर की हेल्थ से अगर कोई किसमें संबंधित कोई अगर ग्रीवेंस आते हैं, तो सर्टिफाइंग सर्जन उस पर अपने कमेंट अपने इंस्पेक्शन कर सकता है। तो दोस्तों ये था फैक्ट्री एक्ट 1948 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में जाना। अगला सेक्शन हम कवर करेंगे इन चैप्टर 3 में, जिसमें हमें हेल्थ है, हेल्थ देखनी है, और इसी तरीके से हम सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स, ये सारे चैप्टर एक एक करके कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फैक्ट्री एक्ट को विस्तृत जानकारी के साथ आप देखें। दोस्तों अगर फैक्ट्री एक्ट या किसी अंदर किसी दूसरे लेबर लॉ के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सुझाव है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के द्वारा नोटिफिकेशन एक्टिवेट करना भी ना भूलें। दोस्तों मैं एक बुक्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि है लेबर लॉ एवरीबडी शुड नो, और इसके राइटर अचल कुमार हैं। इसके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिस जो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑनलाइन अपने घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया बुक है, जिसको लेबर लॉ की बाइबल या कुरान या फिर गीता भी कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।